पूरा चढ़ाव वाला रास्ता है तो चलाया नहीं जा रहा है, तो थोड़ा इसको धक्का मार के लेके जाना पड़ रहा है भाई साहब को। ये देखिए ये भी चलाया नहीं जा रहा है हमसे, तो धक्का मारना पड़ रहा है। ये यहाँ से अंदर जाना है लेकिन रास्ता थोड़ा डेंजर है तो देख के जाना पड़ेगा। यहाँ से अंदर जाना है जंगल के रास्ते से लो पेड़ वैली, यहाँ से अंदर जाना है। ओ माय गॉड, तो ये रास्ता का बात कर रहा था वो भाई की रात पे तो डेंजर हो सकता है। आजू बाजू पूरा जंगल है। ये हम है और ये जंगल है और हमको डर लग रही है। अभी किधर है, इधर दो दो रास्ता आ गया यार। बटरफ्लाई बीच किधर है, सीधा है क्या, सीधा है बटरफ्लाई बीच? बीच किधर है, सीधा है? थैंक यू। तो यहाँ से सीधा दो रास्ता आया तो पूछना पड़ा किधर से जाना है। अभी इस जंगल पे और जानवर तो पता नहीं लेकिन बंदर बहुत सारे हैं। ये रोड पे तो नहीं है लेकिन जंगल के और खड़ंग कर रहे हैं। 2 किलोमीटर का ऐसा कच्चा रास्ता है ऐसा बताया जा रहा है गूगल मैप के हिसाब से। ओह माय गॉड, तो ये तो अभी तो मतलब ठीक है, आते वक्त तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। और सबसे दिक्कत वाली बात है कि कैमरे का बैटरी भी लो हो चुका है। पसीने से लथपथ अग्निपथ हो गया हूँ। अभी प्लान में चेंज हो गया है, अभी मैं आगे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी रात भी हो गई और वहाँ पे जाके ज़्यादा रुक भी नहीं पाऊँगा। और सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है कि कैमरे की बैटरी भी पूरी तरह डेड हो चुकी है। अभी मतलब ज़्यादा देर नहीं चलेगी, 5 मिनट भी नहीं चल पाएगा, तो मैंने अभी प्लान कैंसिल करके वापस हॉस्टल जा रहा हूँ। तो कल सुबह लेकिन कल सुबह मैं इधर ही आने वाला हूँ, ये बीच पे बटरफ्लाई बीच पे आऊँगा। सुबह जाने का बात किया था लेकिन मतलब गोवा में जो भी होता है शाम को ही होता है क्योंकि दोपहर को बहुत सारी गर्मी रहती है। तो अभी मैं निकल रहा हूँ अपनी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। कल जहाँ से बंद हुआ था ये अपना साइकिल यहाँ पे रखा हुआ है, तो अभी यहाँ से जा रहा हूँ मैं। और गोवा में मतलब एक्चुअली क्या होता है ना कि सुबह सुबह प्लान तो बनाया था मैंने लेकिन प्लान के हिसाब से नहीं चलता यहाँ पे, तो मतलब अपने हिसाब से चलता है। तो अभी निकल रहे हैं। और मेरे साथ और एक दोस्त है यहाँ पे, हेलो एवरीवन, वो भी जा रहा है मेरे साथ लेकिन वो स्कूटर में है तो थोड़ा आगे आगे रहेगा, मैं साइकिल में पीछे पीछे रहूँगा और बाकी बात जाके करते हैं। ये भी नया आए थे हॉस्टल में कल, तो अपना दोस्ती हो गया, तो जा रहे हैं साथ में, चलो आगे बढ़ते हैं। गलती से कैमरे का माइक ऑफ हो गया और साउंड रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो मैं यहाँ पे बता रहा था कि अभी मैं स्कूटर चला रहा हूँ वो भी साइकिल का हेलमेट पहन के, ऐसा मैं यहाँ पे बात कर रहा था, बाकी मज़ा आ रहा था। यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम के वजह से वॉइस ओवर देना पड़ा और यहाँ पे बात कर रहा था कि साइकिल जो है वो पार्किंग पे लगा दिए और चल के जा रहे हैं और कुछ ज़्यादा ही बोल रहे थे लेकिन सब भूल गए क्या क्या बोल रहा था मैं। जो भी है ठीक है यार, जंगल के रास्ते से आगे जा रहे हैं, बस शायद यही कुछ बोल रहा था।
बहुत बड़ा चूतिया हूँ गाइज में। इतना देर मैंने बात किया, सब माइक ऑफ था, अभी देखा तो सब ऐसे फुटेज चेक कर रहा था तो एक में भी साउंड नहीं है, तो क्या हुआ बोल के चेक किया, माइक ऑफ था। तो अभी जो भी वॉइस ओवर दिया है उसको थोड़ा सा इंजॉय कर लो। और अच्छा हुआ कि अभी हमने फुटेज है ना ब्रो, तो अभी आकाश भाई और मैं ऐसे फुटेज चेक कर रहे थे रास्ते में कि कैसा आया, तो देखा था यार साउंड है ही नहीं, माइक ऑफ था। अभी हम पहुंच गए हैं बटरफ्लाई बीच, काफ़ी मेहनत से पसीना बहाते हुए। आप ये देख सकते हैं बटरफ्लाई बीच का नज़ारा। चलिए अभी नज़दीक जाते हैं और देखते हैं और ज़्यादा इंजॉय करते हैं। बटरफ्लाई बीच बोलते हैं इसको, और ये बीच जंगल का रास्ता होते हुए आना पड़ता है, आपने देख लिया, लेकिन ठीक है छोटा सा है ऐसे नहाने के लिए इंजॉय करने के लिए, ठीक है बड़ा बीच नहीं है, पब्लिक भी है उतना शांत नहीं है यहाँ पे, कुछ 20-25 पब्लिक है, बाकी ठीक है यार साइकिल लेके यहाँ तक आ गए तो फिर इसको भी इंजॉय करना ही पड़ेगा, देख लो यार आप लोग भी। कैसा लगा बटरफ्लाई बीच? अच्छा लगा। चलो हमारा आकाश भाई मुस्कुराते हुए बोल रहे हैं अच्छा लगा। तो ये बटरफ्लाई बीच तो आप लोगों ने इस वीडियो पे देखा, अकोंडा बीच और बटरफ्लाई बीच। तो ये मेरा अकोंडा और बटरफ्लाई बीच का साइकिल राइड था, और ये बीच पे आप अपना ड्रिंक वगैरह बियर अल्कोहल जो भी आप करना चाहते हो, बियर ही लेके आना, ज़्यादा अल्कोहल हो हार्ड ड्रिंक वगैरह मत लेके आना, बियर वगैरह लेके आना, और यहाँ पे बैठ के पी सकते हैं। लेकिन पीने के बाद अपना जो भी बोतल जो भी कचरा आप लेके आते हो उसको साथ में लेके जाओ, या नहीं तो वहाँ पे एक जगह बनाया हुआ है तो वहाँ पे आप फेंक के चले जाना, लेकिन बीच को साफ रखना। काफ़ी पब्लिक है यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, हमको भी बहुत प्यास लगी हुई है लेकिन हम पानी नहीं लेके आए, तो अभी जाके पानी पीते हैं। प्यास लगे है ना भाई? बहुत भाई को भी प्यास लगी हुई है। और आकाश भाई पहली बार गोवा आए हैं, इंजॉय कर रहे हैं अपने गोवा का सोलो ट्रिप को, हाँ कैसा लग रहा है सोलो ट्रिप? काफ़ी अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात भाई, यूट्यूब में जो भी सोलो ट्रैवलर रहते हैं उनको फॉलो करते हैं, और वो कहाँ कहाँ घूमते हैं वो देखते हुए अपने हिसाब से घूम लेते हैं, तो बहुत अच्छी आदत है। तो अभी हम लोग आ पहुँचे यहाँ पे जहाँ पे हमने साइकिल रखा था, तो अभी यहाँ से साइकिल लेके निकलने की तैयारी हो रही है। अपना हेलमेट भी पहन लो यार, साइकिल का छोटा सा पैरों से।